श्रीक्षेत्र सूचना पक्षर जातीय आदिवासी लोकगीत नृत्य महोत्सव एवं 13तम कृषि मेला सरदाभालीटारे उद्घाटित हो जाइछि। केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री तथा जलशक्ति मंत्री विश्वेश्वर टुडु मुख्य अतिथि भावे जोगदे से कहिसंती जे गत 2 दशंधि धरी समृद्ध आदिवासी कला और संस्कृतिर संरक्षण पाई सेमानकर बहुमूल्य प्रयास जारी रखिसंती। कृषि मेलार स्टॉल समस्ते परिदर्शन करंतु एवं कृषि क्षेत्ररु प्रदर्शित उद्भावन एवं कौशल विषय ज्ञान आहरण करंतु। राज्य में आदिवासी उन्नति पाई मंत्री केंद्र सरकार को पाखरे पहुंचाइबाकू परामर्श दैछंती। पूरी श्री क्षेत्र रे आज ये प्रकार जो कार्यक्रम आरंभ होईची ये 24 तारीख पर्यंत चालू रहिबो। ये अंचल पाई एवं जो विभिन्न राज्य रो जो आछंती से कलाकार होंतु बा विभिन्न स्टॉल जो इठी लगैछंती ये आम मैंने गोटे अनुभव करिवार अछि एवं सेटु किछि जिनस परचेज करबा एवं जानिबा एवं ताकू जदि आमे चाहिबा आम राज्य रे आम अंचल रे मध्ये सेही प्रकार जिनस आमे करि परिबा। ए समावेश को संबोधित करी ओडिसा रा कृषि मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाइन कहितले जे ओडिसा आदिवासी संस्कृति रे समृद्ध एवं राज्य अर्थनीति रे सेमानकर अवदान महत्वपूर्ण अटे। से आहरी कहते जे कृषि क्षेत्र में ओडिशा एक अग्रणी राज्य चाउल एवं अन्य फसल उत्पादन में यह एक अतिरिक्त राज्य भाव परिणत होइछि। कृषि मेला हेउछि कृषि संबंधी उद्भावन उत्पाद समाधान एवं सेवा सहित समस्त संगठन एवं कंपनी पाई एक प्लेटफॉर्म। यह प्रदर्शनी रे कृषि एवं सहयोगी शिल्प उत्पादक डीलर व्यवसायी रप्तानिकारी कृषि एवं अन्य क्षेत्र में प्रतिनिधि मान रहिछंती। कृषि मेला एवं लोक कला ये दुईटीर समन्वय पवित्र बड़दाण्डे सरदाभाली हो अत्यंत खुशी। आपको जो मैंने 20 वर्ष है बंचईकि रखिंट एक अनुष्ठान में परिणत हो आम ओडिया भाईचारार एवं पुरीर संस्कृति जगन्नाथ संस्कृतिर गोटे प्रतिबिंब कहले अत्युक्ति हम ना। तेणुक ये कार्यक्रम पर सब प्रकार साहय आम प्रिय मुख्यमंत्री निर्देश आमे एवं आगामी दिन में उद्घाटन समारोह रे अन्य खंडपड़ा विधायक सौम्य रंजन पट्टनायक एवं पुरी विधायक जयंत कुमार षडंगी सुभाशिष खुंटीया गौरहरि प्रधान अनुष्ठान साधारण संपादक राजेश महंती हरेकृष्ण शतपथी प्रमुख उपस्थित थिले। कृषि मेला 5 दिन धरी अनुष्ठित हेबो बोली अनुष्ठान पक्षरु सूचना मिलिछि। ए अवसर रे सांबादिक मानकु मध्य संबर्धना प्रदान करा जायथिला। पुरीरू शिवप्रसाद दास का रिपोर्ट, ओडिशा भास्कर।